झारखंड जीके के इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड में ईसाइयों का आगमन से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या एक, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में। झारखंड आने वाले प्रथम दल में कितने धर्म प्रचारक थे? तो आंसर है 4। निम्न में से कौन झारखंड आने वाले ईसाई प्रचारक थे? तो ऑप्शन है रूमिलो स्कॉच थे, अगस्ट ब्रॉन्ट ये भी थे, फ्रेडरिक वॉच ये भी थे, और एक थियोडोर कुछ थे। ठीक है, ये 4 थे। यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी होगा ऑप्शन। तो ये 4 ईसाई प्रचारक थे। झारखंड आने वाला सर्वप्रथम जो ईसाई मिशन था वो गोसनर मिशन था। किसने ईसाई मिशनरियों का सहयोग किया था? तो कर्नल औसले और कमिश्नर हैनिंगटन ने। किसके द्वारा प्रथम ईसाई मिशनरियों के समूह को भेजा गया था? तो फादर J.S. गोसनर के द्वारा। प्रथम ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित केंद्र किस नाम से जाना जाता है? तो बेथे सदा के नाम से। छोटा नागपुर में सबसे पहले किस मिशन की स्थापना की गई थी? तो गोसनर मिशन की। कब गोसनर मिशन गोसनर चर्च में परिवर्तित हो गया? 1919 ईस्वी में। गोसनर मिशन ने कब गोविंदपुर में अपना केंद्र स्थापित किया? तो 1850 ईस्वी में। गोसनर मिशन ने कब चाई बासा में अपना केंद्र स्थापित किया था? 1851 ईस्वी में। हजारीबाग में कब इसकी स्थापना करी गई थी? 1854 ईस्वी में। पहला स्कूल जो खोला गया था, गोसनर स्कूल, वो कहाँ खोला गया था? तो रांची में। गोसनर मिशन GEL मिशन तथा SPG मिशन में कब विभाजित हो गया था? 1869 ईस्वी में। सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल यानी कि SPG मिशन का आरंभ कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1869 को। SPG मिशन का प्रमुख अधिकारी किसे बनाया गया था? तो रे जे सी वीटली को। किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है? तो SPG चर्च को। किस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार के स्कूल, दीवा पाठशाला बच्चों के लिए तथा तो रात्रि पाठशाला कामगारों के लिए की स्थापना करी थी? तो SPG मिशन ने। कब SPG मिशन ने अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? 1898 ईस्वी में। रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में प्रवेश कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा कब सेंट जॉन्स स्कूल खोला गया था? 1905 ईस्वी में। सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज का आरंभ रोमन मिशन द्वारा कब किया गया था? तो 7 जुलाई 1944 को। तो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत कब हुई? 1871 ईस्वी में। तो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पचम्बा से, गिरडी। किन्हें संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल के लिए। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की थी?
तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ने ही कब द यूनाइटेड फ्री ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रखा गया? आंसर है इसका 1929 ईस्वी में झारखंड में डबलिन मिशन की स्थापना की गई थी, तो 1892 ईस्वी में। झारखंड के किस जिले में डबलिन मिशन की स्थापना की गई थी? हजारीबाग जिले में। डबलिन मिशन द्वारा कब हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1899 ईस्वी में। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई? 1909 ईस्वी में। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी? जर्मनी के ईसाई दल के द्वारा। लूथरन चर्च की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1855 को। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं? तो रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे 1857 का विद्रोह एवं झारखंड में उसका प्रभाव।